ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और जी पी एसोसिएशन के इस uh, छठ पूजा के दिन छठे संस्करण में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम बेसिक्स ऑफ ई सी जी के बारे में बात करेंगे बेसिक्स क्यों और ई सी जी क्यों ई सी जी बेसिकली जैसे आप सभी हिमोग्लोबीन क्रेटनिन यूरिया फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या ब्लड शुगर इन सभी चीज़ों को नॉर्मली जानते हैं वैसे ही ईसीजी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सभी को आनी चाहिए सभी को जाननी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलिटी तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स ऑफ ई की अगर बात करें तो हमें वी जस्ट वुड लाइक टू पे यर ट्रिब्यूट टू दिस मैन हिज विलियम हु स्टार्टेड इनवेंटेड द जी इन नाइनटीन

इसमें आप देखेंगे कि जो हम वेव्स की बात करते हैं चार वेव्स पांच वेव्स की बात करते हैं पी क्यू आर एस टी ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आज के दिन में भी हम ए देखते हैं तो सौ साल में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अगले सौ साल में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है इन्हीं के बेसिस पे ही हम सारी हार्ट की जो एलिमेंट्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं उनको डायग्नोज करते हैं इसमें एक ज़रूर से एक बात आती है कि इसे पी क्यू आर एस टी क्यों कहते हैं पी क्यू आर एस टी के नाम से नहीं क्यों जाता जाना जाता है ज़्यादातर हम चीज़ें शुरू करते हैं तो ए बी सी डी के नाम से शुरू करते हैं एक्स वाई जेड के नाम से शुरू करते हैं तो इसकी एक स्टोरी है कि विलियम एंथवन जो है वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं उसमें मिडल ऑर्डर से शुरू करना चाहते थे बिकॉज यू नो दैट हार्ट इज़ इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बट मिडल जब अल्फाबेट वो लेने वाले थे तो वो ओ आ रहा था ओ इज़ लाइक जीरो तो वो जीरो से नहीं शुरू करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नेक्स्ट लेटर को लिया तो इसको इन्होंने पी क्यू आर एस टी से सारी वेव जो केंसिक थी उनको नॉम्क्लेचर किया सो ई सी जी इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एज यू नो दैट हार्ट इज हैविंग टू मेन प्रॉपर्टीज वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड हार्ट मैकेनिकल Mechanical thing is diagnosed by the echocardiogram. So this is the basic difference between ECG and echo. So as you know that heart is basically a pump. It has to pump the blood to the body. So for pumping this blood, the heart needs some electricity. So there is a, a node which generates the impulses. This is known as SA node, sinoatrial node, which is found in the right atrium. So from here, the SA node, the impulses travel to the atrioventricular node, and from here, then it goes towards the bundle of His. Then there are two pathways: right bundle and left bundle. And from here, they goes to the Purkinje fibers, and from here, they stimulate the ventricular muscles. So what exactly ECG do here? That ECG tells you that where is the impulse is generated, how much it is generated whether it is traveling to the appropriate pathway, and what is its speed, and whether it's reaching to the appropriate place, and how the appropriate place is responding to this, these impulses. So this is all being recorded in the ECGs. So here you see the first ECG machine. It, it was like a big, huge generator. It's basically a galvanometer. Here you see the assistant had to do इसमें तीन बॉटल्स होते थे बड़े बड़े जार्स होते थे सिलाइन बॉटल्स जो कि इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करते थे और ये पूरी रिकॉर्डिंग uh, आज से सौ साल पहले कम से कम ढाई घंटे लग जाते थे ई को रिकॉर्ड करने में और इंटरप्रिटेशन में भी इसको समय लगता था दो से तीन दिन लग जाते थे बट नाउ वी हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड ई सी जी मशीन्स विच कैन गिव यू द ऑल इंटरप्रिटेशन इन जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स सो वाई वी नीड टू लर्न दिस ई सी जी बेट when we are having these kinds of ECG, ECG machines. So in this, we'd like to say that human brain is much more intelligent than a computer. ECG में patterns को आप feed कर सकते हैं machine में, लेकिन उसका clinical interpretation, patient के perspective में उसको analyze करना ये बड़ा जरूरी होता है. तो ज़्यादातर देखा गया है कि ECG की जो interpretation है, वो भी कभी-कभी wrong interpretation होते हैं. इसलिए एक human brain ईसीजी के इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होना बेहद जरूरी है इसलिए सभी को बेसिक्स इसके जरूर से जानने चाहिए ताकि आप डिटेक्ट कर पाए कि आपकी मशीन कहीं गलत कोई चीज डिटेक्ट तो नहीं कर रही है आप अगर चेस्ट पेन की बात करें ईसीजी का सबसे बड़ा जो रोल है किसी भी पेशेंट जिसको चेस्ट पेन हो रहा है उसमें ईसीजी का सबसे बड़ा रोल है तो जैसे ये पेशेंट है इस पेशेंट में आप देखेंगे दिस इज अमल साइनस्ट्रिदम विद वेरी यूज एस टी इलेवेशन सो इस तरह के पेशेंट में ई सी जी बहुत ही डायग्नोस्टिक होती है जिसमें यह आपको बताती है किसी भी पेशेंट जिसको चेस्ट पेन है उसमें बताएगी कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है कार्डियक है तो कार्डियक में कॉर्नरी है या नॉन कॉर्नरी है कॉर्नरी है तो ये एक्यूट है या क्रॉनिक है और अगर एक्यूट है तो ये एस टी इलेवेशन एम आई है या नॉन एस टी इलेवेशन एम आई है क्योंकि ये सब डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही आप बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे अगर एस टी इलेवेशन एम आई है तो अगर आपको थ्राम्बोलिसिस करनी है प्राइमरी पी सी आई करना है और अगर नॉन एस टी इलेवेशन एम आई है तो आपको हैपरिन देना है या फिर डुबल एंटी प्लेटलेट से लोड करना है विद स्टैट देना है तो ये आपकी पूरी ट्रीटमेंट को इनिशिएट करता है और बेहतर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर के जाता है सो so, ई सी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर बनने से पहले बहुत जरूरी है कि यू शुड बी अ बेटर क्लीनिशियन बेटर क्लीनिशियन

कि आप पैटर्न रिकॉग्निशन के बेसिस पे आप ईसीजी की डायग्नोसिस कभी भी ना बनाएं जैसे और इन्वेस्टिगेशन में होता है वो सिंपल होती हैं जैसे आपने हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल रेंज देख ली या किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की एक नॉर्मल रेंज देख ली तो आप लाइफ लॉन्ग आप उसको आराम से डायग्नोस थ्रू आउट अपनी लाइफ कर सकते हैं बट ई में प्रॉब्लम ये है जैसे आपने जैसे सी स्कैन है सी स्कैन में आपने सेरिब्रल हैज एक बार देख लिया आपने इनफैक्ट वह एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग ये फीड हो जाता है कि जब भी आएगा ये ऐसे ही आएगा आप आराम से उसको डिटेक्ट कर लेंगे बट ईसीजी में प्रॉब्लम क्या है कि एक ही ई के चेंजेस जैसे टी इन्वर्जन है किसी चाइल्डहुड में है एडल्ट में है एल्डरली में है, है फीमेल्स में है तो उसी टी इन्वर्जन की अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं तो एक ही पैटर्न कि अलग अलग डायग्नोसिस हो सकती हैं इसलिए कभी भी आपको पैटर्न रिकॉग्निशन पे केवल नहीं जाना है ईसीजी को हमेशा पेशेंट के पर्सपेक्टिव में पेशेंट की एज पेशेंट के जेंडर और ओवरऑल पेशेंट के क्लिनिकल सिनेरियो में ही उसको एनालाइज करना है तो so अभी मैं 10 स्टेप्स में केवल आपको एक जल्दी से एक बार बता देता हूं कि ईसीजी को कैसे एनालाइज करना है तो ईसीजी में जब भी आपके पास कोई भी ईसीजी की फिल्म आती है कोई भी पिक्चर आती है कोई भी ग्राफ आता है तो सबसे पहले ईसीजी की वेव्स देखने के बजाय आप सबसे पहले पेरीफ्रीज में उसकी देखें पेशेंट का नाम जरूर से देखें कि आप जिस पेशेंट को देख रहे हैं उसी पेशेंट की ईसीजी है पेशेंट की एज क्या है पेशेंट जो ई हम कर रहे हैं टेक्निकल उसके क्या परस्पेक्टिव्स हैं जैसे उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है 25, 50 स्पीड हो सकती है तो जो नॉर्मल हम ई सी एनालाइज़ करते हैं वो उसका कैलिब्रेशन 25 फाइव मिली पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए प्लस उसका एक कैलिब्रेशन uh, जैसे 10 मिली मोल्ट मिली वोल्ट मिली पर मिली वोल्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन uh, होता है वो मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा ये दोनों चीज़ें हमेशा फिक्स होनी चाहिए इसी के पर्सपेक्टिव में ही आप ई एनालाइज़ कर सकते हैं इन दो चीज़ों को देखने के बाद ई को बेसिकली हम टेन स्टेप्स में डिवाइड uh, कर सकते हैं कि हम पहले ही रिदम देखेंगे उसके बाद से हार्ट रेट एनालाइज़ करेंगे ईसीजी में एक्सिस को एनालाइज़ करेंगे उसके बाद से डिफरेंट जो वेव्स हैं पी वेव क्यू आर एस एंड टी वेव एंड उसके बाद से फिर इंटरवल्स पी आर इंटरवल क्यू टी इंटरवल और कुछ सेगमेंट्स जिसमें एस टी सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज़ करेंगे तो ये मैं अभी दस स्टेप में एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ उसके बाद से फिर हम इसको डिटेल में एक बार देख लेंगे तो so, ये ई एक ग्राफ पेपर है ऐसे आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्मॉल uh, कुछ कॉलम्स uh, हैं एक बड़े कॉलम जैसे इसमें रेड एक डार्क लाइन है और स्मॉल स्मॉल रेड लाइंस हैं तो जो स्मॉल लाइंस हैं वो एक मिलीमीटर mm की डिस्टेंस पे होती हैं और एक मिलीमीटर mm, अगर हम हॉरिजॉन्टल uh, लाइन पे देखें तो उसकी जो टाइम होती है वो पॉइंट जीरो फोर मिली होती है या हम फोर्टी मिली सेकेंड उसको कह सकते हैं पॉइंट जीरो कह सकते हैं तो एक बड़ा जो कॉलम इसमें एक दिख रहा है ये पांच मिलीमीटर mm का है इसकी चौड़ाई और पांच मिलीमीटर mm इसकी लंबाई विद तो ये एक बड़े रूप में इसको दिखाया गया है तो आप देखेंगे कि एक जो कॉलम है इसमें स्मॉल जो बॉक्स है वो वन मिलीमीटर mm का है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट जीरो फोर सेकेंड का है फोर्टी मिली सेकेंड का है ये जरूरी है जानना क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट इंटरवल्स को कैलकुलेट करने वाले हैं डिफरेंट सेगमेंट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं तो एक पूरा बॉक्स जो है ये पॉइंट टू सेकेंड का है तो वन सेकेंड में अगर हम देखें तो इसमें कुल पांच बॉक्सेस आ जा जाएंगे तो पांच बॉक्सेस की अगर डिस्टेंस हम देखें तो वो वन सेकेंड के बराबर हो जाएगा पॉइंट टू इंटू फाइव आई थिंक इट्स क्लियर क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ये हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए इसी चीज एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है इन वेव्स को अब हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में पी वेवस्ट एनी जो भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है पी वेव उसे हम कहते हैं पी वेव डिनोट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को एट्रियल डिपोलराइजेशन भी नहीं अगर हम बहुत स्पेसिफिक वे में जाएं तो ये बाई एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है बोथ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को इसके बाद से हमारे पास एक पी आर इंटरवल होता है उसके बाद से एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिनोट्स बाई वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड देक्यूलर रिपोलराइजेशन तो यहां पर वेंट्रिकुल रिपोलराइजेशन तो डिपेक्ट होते हैं बट एट रिपोलराइजेशन छोटी में ही इंगल्फ हो जाता है वो नहीं दिखाई देता है उसके लिए फिर हम अलग से इलेक्ट्रोफिजिकल स्टडी जो की अलग इन्वेजिव मेथड होता है उसको करके देखते हैं अच्छा रिदम की बात करें सबसे पहले आपको रिदम देखना है पेशेंट का कि रिदम साइनस है या नहीं है साइनस है या कोई एरिदिया चल रही है तो साइनस रिदम के लिए सबसे जरूरी होता है कि हर जो भी पी वेव है हमारी वो लीड वन में पॉजिटिव अपराइट होनी चाहिए पॉजिटिव जब भी मैं बोलूंगा तो अपराइट की बात करेंगे नेगेटिव बात करेंगे तो डाउन स्ट्रोक की बात करेंगे तो पी वेव हमेशा अपराइट होनी चाहिए लीड वन में और नेगेटिव होनी चाहिए लीड ए वी आर में इसके साथ पीपी इंटरवल पी आर इंटरवल आर आर इंटरवल बिल्कुल कॉन्स्टेंट होने चाहिए और हार्ट रेट सिक्सटी टू हंड्रेड के बीच में होना चाहिए ये पाँच चार पांच चीज़ें अगर मिलती हैं तब हम इसे साइनस रिदम बोलते हैं नॉर्मली जो आर आर इंटरवल होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं इनमें कोई नॉर्मली वेरिएशन नहीं होता है कुछ बच्चों में कुछ एथलीट्स में साइनस रिदमिया जैसी चीज़ें मिलती हैं बट नॉर्मली नाइन्टी परसेंट पेशेंट जो साइनस रिदम में होते हैं उसमें यही पैटर्न मिलता है इसके बाद आप इस चीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर जो आर आर इंटरवल हैं केयटिक हैं एक दूसरे की डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अलग हैं इसमें इस अगर पी वेव को आप डिटेक्ट करना चाहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दीज आर फिब्रुलिटरी वेव्स एंड दिस इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन यहां पे देखेंगे तो एक रेगुलरली इेगुलर रिदम मिलती है अगर आप यहां पे देखें पी वेव ये कंडक्ट नहीं हुई कोई क्यू नहीं आया यहां पे पी वेव कंडक्ट हुई तो ये ग्रुप बीटिंग चल रही है ये रेगुलरली इेगुलर है एंड दिस इज अ अरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक विच इज हियर

उनको कैलकुलेट कर लेना है और 300 से उसे डिवाइड कर देना है तो सो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई आर आर इंटरवल्स इन लार्ज बॉक्सेस जैसे इस जी में आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो दो क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस के बीच में जो ये दो चार बड़े बड़े जो इंटरवल्स हैं उसको काउंट करें तो ये टोटल वन टू थ्री एंड फोर चार इंटरवल्स हैं तो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर दिस गिव्स यू द हार्ट रेट लाइक सेवेंटी फाइव बीट्स पर मिनट लेकिन ये केवल रेगुलर रिदम के लिए है अगर कोई एरिदमिया चल रही है स्पेशली एट्रल फिब्रिलेशन चल रहा है तो इसमें आपको 10 सेकंड का रूल अप्लाई करना होता है या 6 सेकंड का रूल अप्लाई करना होता है नॉर्मल जो ई स्ट्रिप आती है वो 10 सेकंड की होती है तो आप बेसिकली 10 सेकंड में आप ई में काउंट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ क्यू कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं और उसे सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये नाइन्टी बीट्स पर मिनट जैसे ई में आ गई या आप सिक्स सेकंड में करना चाहते हैं तो आपको 50 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे 50 बॉक्सेस में कितने क्यू आर एस उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 60 सेकंड्स में आपका हार्ट रेट आ जाएगा कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं होती है तो यू कैन इंटरप्ट मी विल डिस्कस इट अगेन सो रिगार्डिंग एक्सेस एक्सेस की बात अगर हम करते हैं तो नॉर्मली हार्ट जो होता है उसके हम डीपोलराइजेशन वेव को देखते हैं कि हार्ट कैसे डीपोलराइज हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है मेन डायरेक्शन क्या है नॉर्मली एल जो कि हमारा डोमिनेंट चैम्बर होता है जो एक्सेस होती है हमारी ऊपर से लेके नीचे तक होती है सुपीरियर इन्फीरियर एंड लेफ्ट की तरफ होती है तो जैसे डिफरेंट लीड्स का जो प्लेसमेंट है ये लीड्स जो हैं ये हमारे पास ट्वेल्व लीड्स हैं हम टेन लीड से ट्वेल्व लीड ई सी क्रिएट करते हैं टेन लीड्स जैसे हमारे पास चार लिम लीड्स हैं और छ प्री लीड्स हैं तो दस से हम बारह आपकी लीड्स बनाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं जितने भी लीड्स हैं ये डिफरेंट कैमरास की तरह काम करते हैं और हार्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो इनके देखने का तरीका है जैसे आप डिफरेंट लीड्स के इस मैजिकल नंबर को जरूर से एक बार याद कर लेना चाहिए जो कि आपको डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट डायग्नोसिस में आपको हेल्प करने वाले हैं लीड वन इट्स ज़ीरो डिग्री लीड टू सिक्सटी डिग्री लीड ए वी एफ इज नाइन्टी डिग्री लीड थ्री वन ट्वेंटी डिग्री एंड एवियल जो कि लेफ्ट साइड से देख रहा है माइनस थर्टी डिग्री एंड लीड एवियर इज माइनस वन फिफ्टी डिग्री तो नॉर्मल एक्सिस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें मैंशन हैं बट आप मोटा मोटा याद रखें कि कोई भी जीरो डिग्री टू अगर नाइन्टी डिग्री लीड वन टू लीड एवीएफ के बीच का अगर एक्सिस है तो वो नॉर्मल एक्सिस है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एक्सिस जैसे इसी जी में आप देखेंगे तो सारी वेव्स एक मोटा मोटा देखें तो सारी वेव जो है वो मोटा मोटा पॉजिटिव अपराइट है केवल एवीआर जो है वो नेगेटिव है सारी लीड्स अपराइट है तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो ये नॉर्मल है इसमें सारी लीड्स मतलब कि पी वेव क्यू एंड टी वेव ऑल आर पॉजिटिव लीड वन एवीएल टू थ्री एवीएफ एंड वी वन टू वी ऑल आर पॉजिटिव एक्सेप्ट एवीआर सो एवीआर की बहुत ज्यादा वैल्यू डे टू डे प्रैक्टिस में स्पेसिफिक उसकी डायग्नोस्टिक वो वैल्यू होती है बट हमारी डे टू डे लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है तो एवीआर को केवल हम देखते हैं कि वो हमारी ईसीजी नॉर्मल तरीके से हुई है कि नहीं हुई है और थोड़ा सा एक्सिस में वो हेल्प करता है तो एक कुछ निमोनिक्स है इसमें कुछ आप जब बहुत ज्यादा हरी एंड वरी लाइफ में रहते हैं आप उसको कैसे ईसीजी में एनालाइज करेंगे उसके डिफरेंट तरीके होते हैं जैसे एक्सिस डेविएशन कैलकुलेट करने के लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो सकता है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन हो सकता है या राइट एक्सिस डेविएशन हो सकता है इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको जैसे तय करने हैं जैसे मैंने बताया कि सारी वेव्स अगर आप राइट हैं तब तो नॉर्मल एक्सिस है आप यहाँ पर देखेंगे इस ए में तो यहाँ पर लीड वन और लीड ए हमें नॉर्मली देखना है एक्सिस के लिए तेजी से डायग्नोज करने के लिए अदरवाइज और भी मेथड्स होते हैं बट यहाँ पे आप देखेंगे तो लीड वन पॉजिटिव है लीड ए नेगेटिव है दिस पॉजिटिव नेगेटिव इज डिपेक्टिंग एज अफ्ट एक्सिसफ्ट इज लीविंग तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये लेफ्ट एक्सिसन है लीड वन और एवीएफ और अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं लीड वन नेगेटिव है और लीड एवीएफ पॉजिटिव है तो दिस इज डिपेक्टिंग राइट एक्सिस डेविएशन ओके द निमोनिक इज राइट इज रिटर्निंग सो so, आफ्टर rhythm रेट एंड एक्सेस वी हैव टू मूव towards the डिफरेंट वेव्स तो सबसे पहले हम पी वेव को देखेंगे नॉर्मल पी वेव की जो morphology है इसकी हाइट लेस देन टू और इसकी मिलीमीटर्स और इसकी विद्री स्मॉल बॉक्सेस से कम होती है लेस देन पॉइंट वन टू सेकेंड्स सो इसमें दो वेरिएशन हो सकते हैं या तो ये बहुत बड़ी हो सकती है या बहुत वाइड हो सकती है तो इसमें अगर बड़ी है बड़ी का मतलब कि अगर इसकी

कभी भी आपको अगर ईसीजी में अगर लीड वन में पी वेव इन्वर्टेड दिख जाए और पी वेव अगर इन्वर्टेड दिख जाए तो ये एक साइन होता है ड्रेक्सट्रोकार का कि द हार्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट तो इसको एक बार कंफर्म करना होता है जैसे ही आप लीड वन को देखें आप तुरंत फिर अपनी प्रिकॉर्डियल लीड्स को देखें नॉर्मली प्रिकॉर्डियल लीड्स में आपके ईसीजी में क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस का एक प्रोग्रेशन नेचुरल प्रोग्रेशन होता है इट प्रोसीड्स फ्रॉम एस डीप एस टू रेगुलरली डेवलपिंग आर कॉम्प्लेक्सेज पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है बट यहां पर आप देखेंगे कोई भी प्रोग्रेशन नहीं बिकॉज हार्ट इज ऑन द राइट साइड टू लीड्स अभी आपकी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं उन वेब्स को तो so, ये बहुत ही क्लासिकल पिक्चर है डेक्स्ट्रोकार्डिया का बट एक होता है कि टेक्नीशियन इंड्यूस भी डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है किसी ने अगर गलती कर दी किसी ने लेफ्ट लिम्ब की इलेक्ट्रोड को राइट right लिम्ब में लगा दिया तो भी ये आपको कन्फ्यूज कर सकती है उसमें भी ई सी जी में आपकी इन्वर्टेड वेब्स मिलने लगेंगी तो ये अब कंफ्यूजन कैसे दूर होगा इसके लिए फिर से हमें तुरंत अपनी चेस्ट लीड्स को देखना है अगर चेस्ट लीड्स में नॉर्मल प्रोग्रेशन आप देखेंगे यहां पे डी एस है यहां पे कुछ आर कॉम्प्लेक्स आया और यहां पे पॉजिटिव वेव और ये फिर ये नेचुरल एक प्रोग्रेशन आर वेव का मिल रहा है हमें तो ये बताता है कि ये टेक्निकल टेक्नीशियन इंड्यूसड्रोकार्डिया है आपके टेक्नीशियन ने जो कि बहुत बिजी है उसने राइट वाले आर्म के इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में लगा दिया और लेफ्ट वाले को राइट right में लगा दिया इसलिए ईसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन करना कि जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं जैसे राइट right का आपका रेड होता है रेड इलेक्ट्रोड आपके राइट right में लगेगा फिर येलो जो इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट में लगेगा ग्रीन जो है वो आपके लेफ्ट फुट पे लगेगा और ब्लैक जो है वो राइट right फुट पे लगेगा तो ये सब ट्रेनिंग टेक्नीशियंस की बड़ी जरूरी हो जाती है अच्छी ईसीजी तभी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं जब अच्छे से ईसीजी हो ऐसे ही चेस्ट इलेक्ट्रोड्स में भी कभी काफी गलतियां होती हैं वो मैं अभी डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा दूसरा पी वेव में आपको एक डिफरेंस मिल सकता है जैसे मैंने बताया कि पी वेव हमेशा अपराइट होती है एक्सेप्ट एवीआर अब यहां पर देखेंगे तो लीड टू थ्री और एवीएफ में लीड जो पी वेव है ये इन्वर्टेड है नीचे की तरफ है तो ये डिपेंड करता है इस रिदम को हम एक्टोपिक एट्रियल रिदम कहते हैं कि ये साइनस रिदम नहीं है इस समय ईसीजी में जो कॉम्पलेक्सेज जो एट्रियल डिपोलाइशन हो रहा है वो कहीं नीचे के साइड से बन रही है इसको लो एट्रियल रिदम भी कहते हैं ये सब कॉमन इसी हैं जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में हमेशा मिलती रहती हैं इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है पी के बाद से हम फिर पी इंटरवल की बात करेंगे पी इंटरवल डिपेक्ट करता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजन को डिपेक्ट करता है कि, कि कितना टाइम डिले हो रहा है हमारी एट्रिया से वेंट्रिकल के डिपोलराइज होने में इसका नॉर्मल ड्यूरेशन हम देखेंगे तो ये थ्री टू फाइव स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं थ्री टू फाइव स्मॉल स्क्वायर्स का मतलब इन सेकंड में अगर देखें तो पॉइंट टू सेकेंड मतलब 200 हंड्रेड मिली सेकेंड तक है तो पी आर इंटरवल नॉर्मल है इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं दो परेशानियां मेन आ सकती हैं इसमें या तो ये बढ़ सकता है डिस्टेंस या फिर ये कम हो सकता है बढ़ने का मतलब है प्रोलॉन्ग अगर है मतलब ये 200 हंड्रेड मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो इसे हम फर्स्ट डिग्री ये ब्लॉक कहते हैं और अगर ये शॉर्ट हो गया लेस देन थ्री कॉम्प्लेक्सेज अगर है तो दिस इज अ साइन ऑफ एक्सेसरी पाथवे जहां पे हार्ड जो है वो ए बी की बजाय एक एक्सेसरी पाथवे से एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो एक्सेसरी पाथवे जिसका कंडक्शन बहुत तेज होता है नॉर्मल जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है इसलिए यहां पे पी आर बहुत शॉर्ट हो जाता है और यहां पे आप देखेंगे क्यू आर एस जो है देर इज अर्ली पार्ट ऑफ वाइडनिंग भी हो जाती है इसमें आर एस जो है ये वाइड भी है तो देर इज स्लरिंग ऑफ सो दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंड्रोम अरे पेशेंट्स आर प्रोन फॉर वेरियस पीएस अच्छा दूसरी चीज है कि ये कभी डिप्रेस भी हो सकता है जो कि बहुत थोड़ा सा रेयर दिखने में मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में बट डिप्रेस्ड है तो ये भी एक पेरी जैसी पैथोलॉजी को डिटेक्ट करता है अब पीआर इंटरवल के बाद से हम सबसे इंपॉर्टेंट क्यू वेव्स की बात करेंगे क्यू वेव्स नॉर्मली जो होती हैं इसको नॉर्मल ड्यूरेशन हमारा हमेशा कुछ पैथोलॉजिकल होती हैं कुछ फिजोलॉजिकल होती हैं तो हमें फिजोलॉजिकल पहले एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए फिजोलॉजिकल क्यू वेव जो है वो हमेशा लेस देन टू स्मॉल स्क्वायर्स की होंगी और नैरो होंगी कभी भी एक छोटी कॉम्प्लेक्स जो छोटा स्क्वायर है उससे बड़ी नहीं हो सकती हैं तो नॉर्मल जो क्यू वेव्स हैं वो लीड वन लीड थ्री लीड वन लीड थ्री और वी फाइव और वी सिक्स में मिलती हैं अगर इसमें मिल रही है आपको नैरो सी क्यू आर एस क्यू कॉम्प्लेक्सेस तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सेप्टल एक्टिवेशन की वजह से वी फाइव वी सिक्स में मिल सकती है और लीड थ्री में कॉमनली मिल सकती है तो पैथोलॉजिकल क्या है पैथोलॉजिकल है जो डीप है जो वाइड है डीप का मतलब है कि टू स्क्वायर से ज्यादा वो गहरी हैं और एक स्क्वायर से बड़ी हैं तो ये पैथोलॉजिकल जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये करीब करीब ऑलमोस्ट फिफ्टीन मिलीमीटर्स की डीप है यहां पे आप देखेंगे टू थ्री एवीएफ में इन लीड्स को रीड करने का भी तरीका है जैसे हमें लीड वन और एवीएल को एक साथ रीड करना है टू थ्री एव को एक साथ रीड करना है और बी वन टू वी को एक साथ रीड करना है तो यहां पर uh, आ रहे हैं तो हम इसे इंफीरियर वॉल ओल्ड इंफीरियर वॉल है माई की तरह ये डिपेक्ट हो रहा है इसके बाद से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस को देखें तो ये कितना नैरो है कितना वाइड है ये हमें देखना होता है तो ये टू थ्री स्मॉल स्क्वायर्स का नॉर्मली होता है पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट वन टू से इट कैन बी ब्रॉड इन वेंटिकुलर एक्टॉपिक्स वेंट्रिकुलर टैकी कार्डिया अगर ब्रॉड टैकी चल रहा है वेंटिकुलर टैकिकार्डिया का मतलब है कि रेट मोर देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट है मोर देन थ्री कॉम्प्लेक्सेज अगर थर्टी सेकंड तक परसिस्ट कर रहे हैं विद इन थर्टी सेकंड अगर रिवर्ट हो जाते हैं तो उसे एन एस बी टी कहते हैं मोर देन थर्टी सेकंड तो उसे वेंट्रिकुलर टैकी कार्डिया कहते हैं एंड दिस कैन बी इन चेटिक फॉर्म तो इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का नाम देते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज वाइड हो सकते हैं वाइड में हमें दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलती है या तो ये एल बी बी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है इन दोनों को पहचानने का क्या तरीका है इनमें केवल आपको दो लीड्स देनी है वी वन और लीड वी सिक्स वी वन में आप देखेंगे तो ये स्मॉल आर और डीप एस कॉम्प्लेक्स मिलता है और बी सिक्स में स्मॉल क्यू और लार्ज आर कॉम्प्लेक्स मिलता है आर बी बी में देर इज अ एम शिपिड पैटर्न इन लीड वी वन एंड डब्ल्यू शिपिड पैटर्न इन लीड वी सिक्स

नॉर्मली 440 फोर्टी मिली सेकेंड से कम होता है हार्ट रेट डिपेंडेंट होता है इसलिए हम इसमें क्यूटीसी इंटरवल कैलकुलेट करते हैं और ये इसका जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स हैं माइक्रोलिड एंटीबायोटिक्स हैं एमाइड्रोन है डिफरेंट ऐसी एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती हैं जो कि कभी भी ये टोर्साइड्स की पॉइंट्स की ये एजमिया दे सकती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अब ये एस सेगमेंट जो कि फेमसली जाना जाता है विडो मेकिंग सेगमेंट ये बड़ा जरूरी होता है इसको जानना हमारे किसी भी चेस्ट पेन के पेशेंट्स में तो एस टी सेगमेंट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द जब भी हम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट कभी भी इंटरवल्स कभी भी सेगमेंट में कोई वेव्स नहीं आती हैं और जब इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल में हमेशा वेव इंक्लूडेड होती है जैसे पी आर इंटरवल की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स पी वेव क्यू टी इंटरवल की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स क्यू आर एस एज वेल एज टी वेव बट सेगमेंट की बात करेंगे तो केवल हमें यहाँ पे एक फ्लैट सेगमेंट मिलेगा कोई वेव नहीं होगी इसमें तो ये एंड ऑफ एस वेव टू बिगनिंग ऑफ टी वेव्स होता है तो हिर दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं या तो एस टी इलेवेट हो सकता है या एस टी डिप्रेस हो सकता है एस टी इलेवेशन का मतलब है कि दो डिफरेंशियल या तीन और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई माइकार्डन इन्फॉक्शन का सिनेरियो हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है दीज आर द डिफरेंट नॉमन जिसमें हम अलग अलग लीड्स में अलग अलग माइकार्डन इन्फॉक्शन के नाम देते हैं सो दिस इज ईयर यू कैन सी देर इज अ एस टी डिप्रेशन अगर आप देखें पी आर सेगमेंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो यहां पर थ्री मिलीमीटर्स का एस टी डिप्रेशन है एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ नॉन एस टीवेशन एम आई सम माइकार्डलिया और पोस्टियर माइकार्डल इन्फॉक्शन फिर क्यू टी इंटरवल के बाद से हम टी वेव की बात करेंगे तो टी वेव जो नॉर्मल उसकी लेंथ और विद होती है वो हमेशा प्रिसीडिंग जो सक्सीडिंग प्रिसीडिंग जो क्यू कॉम्प्लेक्स है उसके अनुरूप होती है तो क्यू कॉम्प्लेक्स अगर क्यू आर कॉम्प्लेक्स के 40 परसेंट से ये कम होती है और 20 परसेंट से ज़्यादा होती है तब हम इसे नॉर्मल बोलते हैं इसमें दो वेरिएशन है या तो ये पिग्ड टी वेव्स हो सकती हैं टॉल टी वेव्स हो सकती हैं इसकी दो डिफ्रेंशियल डायनोसिस है पीक टी वेव है तो वो हाइपर केलीमिया की वजह से हो सकती है या अर्लीट फेज ऑफ माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है दोनों में क्या डिफ्रेंस है मैं एक बार फिर से अभी डिस्कस करूंगा पीक टी वेव्स अगर मिल रही है विद नैरोस तो ये हाइपर केलीमिया है वाइड अगर इसका टिप है और बेस अगर वाइड है बेस भी वाइड है और टिप भी अगर वाइड है तो ये हाइपर एक्यूट टी है ये अर्ली एसटीमी का मार्कर है दूसरा चेंज आ सकता है टी में कि ये टी इन्वर्ट हो सकती है नॉर्मली टी जो होती है, है। या फिर तो सेकेंडरी हो सकता है सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी टू तो सम लेफ्ट हाइपर हाइपरट्रॉफी अगर टॉल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सिक के साथ आपको एसिमेट्रिकल अगर टी मिल रही है मतलब है कि डाउन स्लोप और अप स्लोप में डिफरेंस है एक अक्यूट एंगल पे है एक

बड़े स्क्वायर से अगर ज्यादा हैं तो ये लेफ्ट वर्टिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है स्पेशली अगर ये लेफ्ट साइडेड लीड्स में है जैसे वन ए बी एल बी फाइव सिक्स में है और जैसे इसमें देखेंगे सोक्लोव लाइन क्राइटेरिया है कि अगर एस वेव इन वी टू और आर वेव इन वी सिक्स इफ इट इज मोर देन थर्टी फाइव देन यू कैन डायग्नोज इट एज अ लेफ्ट वर्टिकुलर हाइपरट्रॉफी और ऐसे ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए है कि अगर राइट साइडेड लीड्स में आपको प्रीड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी स्पेशली अगर उसके साथ राइट एक्सिस डेविएशन है पी पलनेल मिल रहा है तो दीज आर द फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सो ये एक मोटा मोटा एक सारांश है कि आपको कैसे रीड करनी है इसी जी सो इसीजी कैन आइडेंटिफाई वेरियस सो एरिदिया के लिए ये हंड्रेड परसेंट है ई में ये जाना है कि कोई भी अरिदमिया ई से बच नहीं सकती है लेकिन कोई अगर चेस्ट पेन है माइकर्डलिशकीमिया है तो वो उसमें ई नॉर्मल हो सकती है बट ई सी जी इज डायग्नोस्टिक इन माइकर्डलिश्कीमिया पेरिकार्डाइटिस चैम्बर हाइपरट्रॉफी एज वेल एज जो सेकेंडरी जो बॉडी की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हैं स्पेशली हाइपर के लिएमिया या हाइपोकेलेमिया हाइपर कैल्सीमिया हाइपो कैलसीमिया भी उसमें भी ई सी जी में चेंजेस आ जाते हैं

ए वी नोड से अगर शिफ्ट हो गया है किसी वजह से ऐसे नोट बीमार हो गया तो ए वी नोड की पलसेज जो है वो 40 टू 60 बीट्स पर मिनट हो सकती हैं और वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर सेल से अगर और नीचे की साइड से जाके बन रही है तो ये स्केप रिदम की तरह हो सकती है और 20 टू 45 हो सकती है तो ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे ये नॉर्मल पैटर्न है कैसे ऐसे नोड से जनरेट होती हैं इम्पल्सेज राइट और लेफ्ट एरिया को कंडक्ट होती हैं फिर ए वी नोड में कम इम्पल्सेज आती हैं फिर बॉडी बंडल ऑफ हिस देन डिफरेंट ब्रांचेस और फिर ये परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल स्टमुलेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये सारी कॉम्प्लेक्सेज इसी के अकॉर्डिंगली जनरेट होते हैं एट्रियल डिपोलाइशन पी वेव वेंट्रिकुलर डिपोलाइशन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टी वेव सो अब ई जी लीड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की लीड होती हैं बाईपोलर लीड और यूनिपोलर लीड इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस से मतलब नहीं होता है बट फिर भी एक मोटा मोटा जानना चाहिए कि जो हमारी लिम लीड्स हैं लीड वन लीड टू और लीड थ्री ये बाई लीड होती हैं ये दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल को डिटेक्ट करती हैं और यूनिपोलर पोलर लीड जैसे ऑगमेंटेड लीड्स हैं लीड ए वील ए वी आर एंड ए वी एफ और चेस्ट लीड्स पिकॉर्डियल लीड जो है वी वन टू वी सिक्स ये सेंट्रल एक जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसके अगेंस्ट में सारे पोटेंशियल को देखते हैं तो ऑगमेंटेड लीड्स को हम ऑगमेंटेड लीड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पोटेंशियल्स जो होते हैं वो स्पेशली बहुत छोटे होते हैं तो मशीन उसको ऑगमेंट करती है इसलिए इसको ऑगमेंटेड लिम लीड्स कहते हैं तो ये लीड्स की प्लेसमेंट ये टेक्नीशियंस को ये बताना जरूरी होता है कि राइट right, जो रेड वन है ये हमेशा राइट right आर्म में येलो लेफ्ट में ग्रीन लेफ्ट फुट में और ब्लैक राइट फुट में लगाना है तभी हमें एक बेहतर इसी मिल सकती है ये डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं कैसे हम लीड वन लीड टू थ्री को नामकलेट करते हैं और ये डिफरेंट एक्सेस है जैसे हम लीड वन टू थ्री की बात करें लिम लीड्स की तो ये जीरो डिग्री टू का सिक्सटी डिग्री एंड लीड थ्री वन ट्वेंटी डिग्री और लीड वन की अगर बियॉन्ड किसी का अगर हमें एक्सेस मिलता है तो वो लेफ्ट एक्सेस कहते हैं माइनस जीरो टू माइनस नाइन्टी और नाइन्टी के बियॉन्ड अगर हमें इधर की तरफ एक्सेस मिलती है तो उसे राइट एक्सेस डेविएशन कहते हैं तो ये आपने सभी ने देखा होगा ये पिक्चर ये दिस इज अक्सेक्ल रेफरेंस सिस्टम जहाँ पे सभी लीड्स का डिपिक्शन है डिफरेंट एंगल्स पे ये लीड्स के एंगल जानने ज़रूरी हैं पेशेंट्स की जो हार्ट की एक्सेस है उसको जानने के लिए अच्छा जो प्रीकॉर्डियल लीड है उनका भी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है अच्छी ई जानने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और टेक्नीशियंस कभी कभी ये बहुत अच्छे से इसको नहीं करते हैं तो इसमें जैसे लीड V1 और लीड V2 है प्री लीड्स की इसको जस्ट बिसाइड ऑफ स्टर्नम रखना होता है जस्ट बिसाइड ऑफ स्टर्नम ज़्यादातर ये थोड़ा सा दूर रख दी जाती है तो उससे भी आपकी ई बहुत अलग हो जाएगी तो जस्ट बिसाइड ऑफ द स्टर्नम राइट right साइड में आपको V1 रखनी है और V2 इसके जस्ट राइट साइड में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कैसे डायग्नोस करेंगे ये भी बहुत जरूरी है टेक्नीशियंस नहीं जानते हैं हम एंगल ऑफ लूइस देखते हैं पहले चेस्ट पे एंगल ऑफ लूइस जो एक स्मॉल इलेवेशन uh, होता है स्टर्नम पे वो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है उसके अगेंस्ट हमें थ्री और फोर नीचे की तरफ जाना है और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जस्ट बिसाइड बी वन रखना है फिर उसके बाद से हम V3 नहीं रखते हम फिर V4 रखते हैं V4 जो है वो मिड क्लैविकुलर लाइन में एक स्पेस और नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में रखेंगे और फिर इसके अगेंस्ट ही जो भी V5 V6 V7 V8 V9 कभी कभी हम पोस्टर लीड्स यूज़ करते हैं तो इसी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही हम सारी लीड्स रखेंगे और ये डिफरेंट एंगल्स uh, में रखेंगे है ना एंटीरियर एक्सिलर लाइन में जैसे ये V6 हो जाता है तो इन लीड्स का प्लेसमेंट भी टेक्नीशियंस को बताना बेहद जरूरी हो जाता है तो ये आप देखेंगे हार्ट को कैसे ये इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं प्रकॉर्डियल लीड्स V1, V2 वी टू राइट साइड की लीड्स को देख रहे हैं V3, V4 लेफ्ट वेंट्रिकुलर V5, V6 लैटरल लीड्स को देखते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग डिफरेंट माइक्रडेन फाक्शंस का नॉमनक्लेचर होता है कि, कि किस लीड में क्या चेंजेस आ रहे हैं अगेन फिर से ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको बार बार मैंने रखा हुआ है कि ये एक स्मॉल बॉक्स जो है ये पॉइंट टू का है स्मॉल बॉक्स पॉइंट ज़ीरो का है और इसकी विथ जो है वो आ, वन फाइव मिलीमीटर्स mm का है सो वन स्मॉल बॉक्स इज 40 मिली सेकेंड एंड वन लार्ज बॉक्स इज ट्वेंटी मिली टू हंड्रेड मिली सेकेंड सो दिस इज अर्मल ई सी जैसे मैंने बताया कि सारी लीड जो है सारी वेव जो है वो अपराइट हैं केवल लीड बी में और लीड AVR में नेगेटिव है तो लीड AVR में सारी वेव्स नेगेटिव होती हैं पी वेव क्यू आर एस एंड टी वेव और इसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डे टू डे प्रैक्टिस में केवल आप लीड वन टू थ्री AVL AVF वी एंड बी टू वी को देखेंगे तो नाइन्टी परसेंट डायग्नोसिस बन जाती है स्टैंडर्डाइजेशन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी प्रॉपरली अगर ई सी स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हम कभी एल डायग्नोस कर ले जाएंगे या फिर लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस डिटेक्ट कर ले जाएंगे तो ई में जैसे मैंने बताया कि स्पीड जो है वो 25 फाइव मिली मीटर होनी चाहिए ये हमेशा ई के बॉक्सेज में दिखती है उसमें नीचे की तरफ लिखा होता है और स्टैंडर्डाइजेशन की जो लेंथ है वो टेन मिली मीटर की होनी चाहिए ये स्टैंडर्डाइजेशन है ये नॉर्मल एम्पलीट्यूड है टेन मिली मीटर का और ये 5 मिलीमीटर mm ये गलती से ये हो गया है और ये लंबे कॉम्प्लेक्सेस के लिए 20 मिलीमीटर mm हो गया है तो ये नॉर्मल ई का पैटर्न है जैसे मैंने कहा कि आपको कैलिब्रेशन देख लेना है ये है 10 मिलीमीटर mm का अगर ये है तो इसके अगेंस्ट आप क्यू कॉम्प्लेक्सेस को रीड कर सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो ये ट्वेंटी मिलीमीटर पर सेकेंड जो सीजी की स्पीड है वो बिल्कुल सही है सो so, रिदम मैंने बता दिया कि रिदम आपको Uh, कैसे डिटेक्ट करना है उसकी सिक्स क्राइटेरियाज हैं कि पी वेव जो है हमेशा अपराइट होनी चाहिए लीड वन में और इन्वर्टेड होनी चाहिए लीड ए में और पीपी इंटरवल आर आर इंटरवल फिक्स होने चाहिए रेट सिक्सटी टू हंड्रेड का है तो उसे हम साइनस कहेंगे इसके अलावा कोई भी चीज है तो वो एरिदमिया है हार्ट रेट के लिए मैंने बताया कि रूल ऑफ थ्री हंड्रेड एंड रूल ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड आता है और टेन सेकेंड रूल फॉर एरिदमियाज आता है थ्री हंड्रेड का मतलब है कि

और ये इसमें हार्ट रेट अगर आप देखेंगे तो इसमें फोर कॉम्प्लेक्सेज हैं वन टू थ्री फोर तो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर दिस गिव्स यू द हार्ट रेट ऑफ सेवेंटी फाइव बीट्स पर मिनट यहाँ पे हार्ट रेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वन एंड हाफ लार्ज कॉम्प्लेक्सेज हैं तो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव कॉम्प्लेक्सेज दिस विल गिव राइज टू हार्ट रेट ऑफ टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट टेन सेकेंड रूल जैसे मैंने बताया कि अगर एरिदमिया चल रही है पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें आपको या तो 10 सेकेंड दैट इज 50 बॉक्सेस कैलकुलेट कर लेने हैं और उसमें कितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से जैसे इसमें देखेंगे तो अगर पूरे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस को आप काउंट कर लें 10 सेकेंड की सी स्ट्रिप है ये जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं उसे काउंट कर लेंगे तो ये 33 थ्री कॉम्पलेक्सेस हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें सिक्स से तो दिस विल गिव राइज टू द हार्ट रेट ऑफ वन ये नॉर्मल ड्यूरेशन है ये भी याद है तो इसी अच्छे से इंटरप्रेट हो जाती है जैसे मैंने बताया पी वेव ड्यूरेशन लेस देन थ्री कॉम्प्लेक्सेस लेस देन वन ट्वेंटी पी इंटरवल अगर 200 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हो सकता है क्यू आर ड्यूरेशन नॉर्मली नैरो होती है लेस देन थ्री कॉम्प्लेक्सेस स्मॉल बॉक्सेस एंड क्यू इंटरवल इज लेस देन फोर टू फोर सो पी इंटरवल जैसे मैंने बताया कि एट्रियल डिपोलराइशन को डिपेक्ट करता है थ्री टू फाइव स्मॉल स्क्वायर होता है अगर शॉर्ट है तो डब्ल्यू पी डब्लू है लॉन्ग है तो फर्स्ट डिग्री यह भी ब्लॉक है जैसे यहां पर देखेंगे तो पी आर इंटरवल जो है काफी वाइड है ऑलमोस्ट टू लार्ज बॉक्सेज है तो इसमें पी आर इंटरवल जो है टू एटी मिली सेकेंड है मोर देन टू हंड्रेड है तो ये फर्स्ट डिग्री यह भी ब्लॉक है शॉर्ट पी आर इंटरवल यहां पर जैसे मैंने बताया कि यहां पर नॉर्मल ये कंडक्शन ऐसे नोट टू ए बी नोट की बजाय एक्सेसरी पाथवे पे हो रहा है यह रैपिड होता है इसलिए यहां पर पी आर इंटरवल बहुत शॉर्ट हो जाता है और देर इज अम स्लरिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज गिविंग राइज टू द दिस टिपिकल पैटर्न ऑफ डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम तो यहां पर देखेंगे अगर लीड टू में देखेंगे तो कोई पी आर सेगमेंट बहुत छोटा है और चेस्ट लीड्स में देखेंगे तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस की अर्ली वाइडनिंग है सो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की अगर बात करें तो हम लेफ्ट बंडल और राइट right बंडल की बात करते हैं कहीं पर भी कोई भी बंडल ब्रांच है तो ये इसीजी uh, में डिटेक्ट हो जाता है राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो राइट बंडल ब्रांच वी में एम शेपिड पैटर्न में और एल में वी में एम शेपिड पैटर्न में होता है सो दिस दीज आर द टिपिकल इसीजी ऑफ आर बी बी एंड एल बी बी क्यू टी इंटरवल की बात मैंने कर ली है क्यूटी इंटरवल के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं और uh, पी आर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल में ये डिफरेंस है कि पी आर इंटरवल आपको सबसे शॉर्टेस्ट पी आर इंटरवल लेना है जिसमें जिस लीड्स में सबसे शॉर्टेस्ट है वो पी आर इंटरवल देखना है और क्यू टी इंटरवल की बात है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट है उसमें क्यू टी इंटरवल कैलकुलेट करना है तो क्यू टी सी ये हार्टवीट डिपेंडेंट होता है इसलिए इसका एक बेजिट्स फार्मूला है जिसमें क्यू टी इंटरवल टू बी डिवाइडेड बाई द अंडर रूट ऑफ आर आर लेकिन जब कभी हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो ये बेजिट्स फार्मूला इनसेंसिटिव हो जाता है उसमें हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं जिसमें क्यू टी प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव एंड हेयर हार्ट रेट इज टू बी सब्सटेड बाई द सिक्सटी ये ज्यादा बेटर मानते हैं इसको प्रलॉन्ग क्यूटी के कुछ फिजोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं स्पेशली इसमें आपको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां इसको प्रोलॉन्ग करती हैं शॉर्ट क्यूटी में मेन डिजिटेलिस और हाइपर कैलसीमिया एक्सेस की बात करें तो मैंने बता दिया है कि नॉर्मल एक्सेस माइनस थर्टी टू नाइन्टी डिग्री है लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है तो माइनस थर्टी डिग्री टू माइनस नाइन्टी डिग्री और राइट एक्सिस डेविएशन है तो प्लस नाइन्टी टू वन एटी डिग्री और इसके बियॉन्ड है तो वो एक्सट्रीम एक्सिस है सो so, दो इंपॉर्टेंट इसमें अप्रोचेज होते हैं क्वाड्रेंट और इक्वी अप्रोच नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में ईजी होता है क्वाड्रेंट अप्रोच तो हम इसको अप्लाई करते हैं इसमें आपको केवल दो लीड्स देखनी है लीड वन और लीड ए वी एफ अगर लीड वन इसमें पॉजिटिव है और लीड ए वी एफ अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है लीड वन अगर नेगेटिव है लीड वन एवीएफ अगर पॉजिटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन है सो हेयर यू कैन सी दैट हेयर द लीड वन इज अगर टोटल देखें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो ये नेगेटिविटी की तरफ है और लीड ए वी एफ जो है यहां पे पॉजिटिव की तरफ है तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को uh, ये अप्रोच कर रहे हैं तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है और यहां पे लीड वन पॉजिटिव है लीड ए वी एफ नेगेटिव है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है सो पी वेव्स के बारे में मैंने बताया कि ये इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को भी हमें देखना चाहिए तो इसमें जैसे दो पी को अगर हम डिवाइड करें तो इसका अर्ली पार्ट जो है वो राइट एट्री एम की डिपोलाइशन होती है और लेटर वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम का डिपोलाइजेशन है लीड टू बेटर लीड होती है जिसमें इसको अच्छे से हम देख करके साइनस रिदम है या एबनॉर्मल रिदम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं लीड वी वन में ये बाईफिजिक होती है तो अर्ली पॉजिटिव जो डिफ्लेक्शन है वो राइट एट्रियल ट्रियल का होता है और जो लेटर पार्ट होता है वो लेफ्ट एट्रियम का डिपोलाइशन होता है तो अगर कभी भी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो लीड टू में अर्ली पार्ट ऑफ ये पीकिंग होगी जिसे हम पी पनमुनिल कहते हैं और अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो जो लेटर पार्ट ऑफ पी वेव है वो प्रोलॉन्ग होगा और वाइड होगा और जो पी वेव होगी वो बाईफिड होगी तो ये दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट और सिमिलरली जो चेंजेस होंगे वी में होंगे कि जो लेटर पार्ट ऑफ पी वेव है वो डीप और वाइड हो जाएगा अच्छा बाई एट्रियल इनलार्जमेंट भी हो सकता है जिसमें uh, आपको पीक भी मिलेगी और वाइड भी मिलेगी तो ये बाई एट्रियल इन्लार्जमेंट को डिटेक्ट कर सकता है जो कि कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या इस तरह की कोई कंडीशन है आर वगैरह तो उसमें मिल सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे पी पर्मनेल यहाँ पर ये कॉम्पलेक्सेज ऑलमोस्ट फाइव मिलीमीटर के करीब पहुंच रहे हैं 2.5 से ज़्यादा हैं लीड 2-3 ए वी में तो ये पी पर्मनेल और ये बाइफिड है बी में और लेटर पार्ट ऑफ जो पी वेव है इन लीड बी ये वाइड है और डीप है तो इसे हम पी माइट्रिल कहते हैं

सो नॉन पैथोलॉजिकल क्यू वेव ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो क्यू वेव है वो मिल सकती है आपको लीड वन लीड थ्री वी फाइव एंड वी सिक्स में तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव हमें पता होना चाहिए कि अगर ये टू मिलीमीटर mm से डीप है और वन मिलीमीटर mm से वाइड है और या फिर मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सब्सिक्वेंट आर वेव है तभी हम इसे क्यू वेव की डायग्नोसिस बनाएंगे तो एक बॉक्स से बड़ा चौड़ा और दो बॉक्स से गहरा अगर है तभी उसे हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहेंगे ये एल बी एच और आर बी एच के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस किया राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए आर शुड बी पॉजिटिव एटलीस्ट फो मोर देन सेवन मिली तो इसे हम राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी स्पेशली अगर पी पन राइट एक्सिस डिविएशन के साथ है तो ये सब राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी को दर्शाते हैं यहाँ पे देखेंगे तो लीड बीवन में जो कि यूजली आर स्मॉल आर डी पैस कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे आर इज़ मोर देन सेवन मिली एंड हीयर अगर आप एक्सिस देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव इज राइट एक्सिस डेविएशन विद आरबीएच सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ राइट पर्टिकुलर हाइपरट्रॉफी ट्रॉफी एस टी सेगमेंट की बात करें तो एस टी सेगमेंट आपको माइकाडेल इनफाक्शन में इन चार पैटर्न में अलग अलग फेजेज जो एम आई के होते हैं उसमें दिख सकते हैं जहाँ पे ये इसके अलग अलग पैटर्न हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ टी वेव की अब की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये मोर देन 20 परसेंट ऑफ प्रिस आर वेव और लेस देन 40 परसेंट ऑफ प्रिस आर वेव होनी चाहिए तब हम इसे नॉर्मल कहते हैं अगर ये नॉर्मली 10 मिलीमीटर mm से ज्यादा नहीं होती अगर 10 मिलीमीटर mm से ज्यादा है तो अब हम इसे टॉल टी वेव की डिफिनेशन देंगे ये नॉर्मल टी वेव के पैटर्नस हैं एक यू वेव भी मिल सकती है कभी कभी जो कि परकिंजे फाइबर रीपोलराइशन की वजह से हो सकती है और ज़्यादातर ये एथलीट्स में या फिर पैथोलॉजिकली हाइपोकेलेमिया जैसी कंडीशन में प्रोमिनेंट हो सकती है तो एक बार जो ई का जो मेन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो एक्यूट कार्नरी सिंड्रोम में होता है तो ये दीज आर द वेसल्स यू नो ऑल दैट देर इज अ लेफ्ट कॉर्नरी आर्ट्री देर इज अ राइट कॉर्नरी आर्ट्री लेफ्ट कॉर्नरी आर्ट्री इज़ फर्दर डिवाइडिंग टू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड देन लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स कॉर्नरी आर्ट्री एंड देर इज़ अ राइट कॉर्नरी आर्ट्री तो इनके एक्यूट क्रिटिकल ऑक्लूजन हो सकता है या एक्यूट टोटल ऑक्लूजन हो सकता है या कोई मॉडरेट स्टेनोसिस हो सकती है जिसमें अलग अलग फेजेज में अलग uh, होते so, so, अलग एस टी टी हैं तो दिस इज एलिवेशन दिस इज एस टी डिप्रेशन सो एक सिंड्रोम के अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं स्टेमी नॉन स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना जिसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एस टी अगर ज एस टी लेवेशन उसके भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं तो ये माइकार्डल इन्फॉक्शन के पैटर्न में ये मोस्टली कॉन्वेक्स डाउन होती है यहाँ पे फ्रॉनी अगर फेस मिल रहा है एस का तो ये सजेस्टिव ऑफ माइकार्डल इन्फॉक्शन बट देर आर सम कंडीशन जैसे अर्ली रिपोलराइजेशन है या पेरी है तो यहां पर स्माइली फेस जैसे आपका है तो यहां पर जे पॉइंट नॉचिंग के साथ आपको इस तरह की वेव मिलेगी तो दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ पेरी और अर्ली रिपोलराइजेशन सो वेरियस इवोल्यूशन ऑफ इसी चेंजेस होते हैं माइकार्डल इन्फॉक्शन में सबसे पहले हाइपर एक्यूट टी वेव्स आएगी इसकी टी जो होती है वो वाइड बेस की होती है एज अपोज टू द हाइपर क्लीमिया जैसे हाइपर क्लीमिया में नारो बेस के साथ टी वेव होती है आफ्टर टी वेव देर इज एस टी इलेवेशन विच इज सजेस्टिव ऑफ सम इंजरीज ऑन गोइंग इफ एस टी इज एलिवेटेड एंड देर इज अगेन इन वीक्स टू डेज देर इज टी वेव इन्वर्जन एंड क्यू डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव वेर देर इज अ अन्वर्टेड टी वेव एंड क्यू वेव एंड फाइनली इन वीक्स टू डेज देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फाइनल क्यू वेव विच इज सजेस्टिव ऑफ नेक्रोसिस सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम एस टी इलेवेशन एम आई पॉइंट इट सो दीज आर दैरियस एनाटमिक ग्रुप्स जिसमें हम बताते हैं कि किस एम uh, आई को कैसे डिफाइन uh, 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 करना है अगर बी वन बी टू में केवल एस टी इलेवेशन है तो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सेप्टल एम आई अगर B3, B4 में है तो हम इसे एंटीरियर वॉल एम कहेंगे B5, B6 along with वन ए में है तो इसे हम लैटरल एम कहेंगे और अगर टू थ्री ए में है तो इन्फीरियर वॉल एम कहेंगे तो ये पैटर्न हमें याद होने चाहिए नॉन एस्टेमी की डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि एस जो है वो एटलीस्ट फाइव पॉइंट मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे की तरफ जाए पी सेगमेंट से और टीवी बिनवर्जन है तो वो एटलीस्ट वन मिलीमीटर से ज्यादा हो एटलीस्ट मतलब वन बॉक्स से ज्यादा गहरी होनी चाहिए सो दीज आर द फ्यू सीजीज ऑफ माइकार इन्फॉक्शन यहां पे आप देखेंगे तो वी वन टू वी फोर देर इज एलिवेशन सो दिस इज अ डिफाइंड एज एंट्रोसेप्टल एम आई एम आई की बात से आप देखेंगे तो यहां पे देर इज अ अज सो जो ऑबियस चीजें दिख रही हैं वो तो देखना ही हमें जो नॉन ऑब्वियस है उसको भी देखना जरूरी हो जाता है किसी भी एमआई में उसकी कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करना भी उसको और मेंशन करना जरूरी हो जाता है यहां पे देखेंगे तो ली टू थ्री एव एफ में एस टी डिप्रेशन विच इज अ रेसिप्रोकल चेंज ऑफ एस एलिवेशन एम आई यहां पर देखेंगे वन एवीएल में देर इज एलिवेशन एंड बी फाइव में एलिवेशन है एलिवेशन दिस इज अ वेरी कैरेट्रिस्टिक ऑफ एंट्रोलैट्रम आई सो दिस इज अ ECG of inferior wall MI where the ST is elevated in lead 2, 3 and AVF and there is a reciprocal change you have to always look for reciprocal changes in MI like in 1 and AVL. So hyperkalemia I have discussed that uh, there is a first and foremost is there is a peaking of T wave, there are AV conduction disturbances, then the P wave uh, started diminishing, there is widening of QRS complexes and ultimately there is a sine wave pattern along with asystole if not treated on time. So, this is a very characteristic of uh, ECG of hyperkalemia. Whenever you see this type of ECG pinpointed T wave with narrow base, with widening of QRS, so here you cannot find the P wave. So, P wave is already prolonged and lost. So, this is a very late stage of Hyperkalemia, very severe hyperkalemia. It should be treated with standard like uh, glucose, uh, insulin infusion, soda, high, sodium bicarbonate, or ethylene yeah, nebulization, solbitamol nebulization. So, this is another ECG of hyperkalemia. Here you see the peaked T wave with narrow base. This is an early phase of hyperkalemia, and this is a very late phase of hyperkalemia. Again, the T wave is similar along with widening of QRS complexes, there is no P wave visible.

तो उसमें आपको देखना है कि आर आर इंटरवल एक बार देख लें और क्यू टी का अगर एंड जो है अगर इसके मिडवे से बियॉन्ड है तो हम कहते हैं कि क्यू टी प्रोलोंग है और अगर मिडवे से पहले है तो क्यू टी नॉर्मल है सो so यहाँ पे आप देखेंगे तो यू वेव भी दिख रही है दिस इज वेरी करेक्टिस्टिक ऑफ हाइपो सो सम ब्रेडी अरिदमिया शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं दिस इज अ टिपिकल साइनस ब्रेडी कार्डिया जहाँ पे दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज की बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे करीब करीब छः कॉम्प्लेक्सेज हैं विच इज गिविंग राइज टू हार्ट रेट ऑफ फिफ्टी This is a very typical of junctional rhythmia. You cannot find the P wave, or P wave is either can be found after the QRS complexes. This the rate is 40 to 60. Here you can find there is a P QRS, PQRS, but again there is no P and there is a pause. So this is a typical of sinus arrest. So there is <coughs> PR based on PR interval, there are different blocks are there, first degree A V block where the PR interval is prolonged by more than 200 milliseconds here you can see almost 280 milliseconds this is a first degree av block but the every p is conducted to the uh, qrs complexes and second degree av block is further divided into two types of second degree av block mobitz one where you get a wenke back phenomena and mobitz type 2 so here you can see that the, there is a sequential widening of pr interval pr here 60, 160 and there is a gradual uh, prolongation of PR and then suddenly there is a P is dropped. So this is a Mobit's type 1 and here in Mobit's type 2 you can see here that uh, the PR, PQRS, PQRS, PQRS and then suddenly the P is dropped. So this is a high grade AV block and this is Mobit's type 2. And this is third degree AV block where the P and uh, QRS complexes are, uh, are having their different rates. सो so, यहाँ पे देखेंगे पी पी इंटरवल जो है वो अलग है और क्यू आर एस कॉम्पलेक्सेस काफ़ी स्लो है एंड इसको इमीडिएटली फिर हमें पेस मेकर से ट्रीट करना चाहिए ये पेसिंग रिदम है यहाँ पे आप देखेंगे तो पेसिंग रिदम में एक पेसिंग स्पाइक्स आते हैं स्मॉल से अगर केयरफुली देखेंगे तो दीज आर करेक्ट्रिस्टिक ऑफ पेसिंग कॉम्प्लेक्सेस टैकी रिद्म्याज एक डिफरेंट चैप्टर हो सकता है मोटा मोटा देखें तो टैकी रिद्याज में आपको देखना अगर है अगर हार्ट रेट हंड्रेड से ज़्यादा है क्यू आर एस नैरो है तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एट्रियल टैकीकार्डिया या ए वी एन आर टी या ए वी आर टी आ सकती हैं अगर नैरो है इरेगुलर है तो एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन या मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया आ सकते हैं अगर क्यू आर एफ वाइड के साथ टैकी है तो ये रेगुलर है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या एस बी टी विद एवरेंसी हो सकती हैं इरेगुलर है तो ये टॉटसैट्स हो सकती है या डब्लू पी डब्लू पी एस बी टी हो सकती है ए एफ सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल टू revise the what we have learned so these are the premature atrial complexes supraventricular arrhythmias here you can see the there is a typical sawtooth pattern uh, of p wave so this is a very characteristic of atrial flutter here you can see the rr intervals are not very fixed this is a characteristic of atrial fibrillation no organized atrial depolarization over here and this is uh, after PQRS, you see that there is a sudden tachycardia almost at a rate of uh, 150, and this is a characteristic of PSVT. So, these are the broad complexes tachycardia. Always, you see if you, any broad complex tachycardia to be taken as a ventricular tachycardia until unless proven otherwise. And any arrhythmias to be treated in terms of patient's perspective, if the patient, uh, patient is hemodynamically compromised, then always go for CPR or kind of uh, DC shock. This is ventricular fibrillation, the rhythm is all chaotic. One important thing in ICU setting is to be noted as acute pulmonary embolism, which is very frequent in uh, medically as well as surgically ill patient. You can find, um, mostly the most common thing is to be find is sinus tachycardia, which is found in almost uh, 8 to 73%. And there is a typical pattern of S1 Q3 T3 pattern. Here you can see this patient was a 33 years male. Here you can see the deep S wave in lead B1. And if you look at the lead 3, there is a Q, Q wave and there is a T wave. So there, is, there should be a pathological Q wave to diagnose the pulmonary embolism. And here in lead B1, you can see the, there is a R complex with T inversion in right precordial lead. So this is a very characteristic of pulmonary embolism. So, another uh, cause of uh, ST elevation is acute pericarditis. This is also not to be missed because if you look at the ST elevation, here you, the ECG is showing the diffuse ST elevation in all our leads lead 1, 2, 3, AVF, V1 to V6, there is diffuse ST elevation. So, how will you differentiate whether it is MI or pericarditis? Then you have to look at the PR segment. PR segment is usually is not affected by any pathology. Here in pericarditis, the PR segment in lead 2, 3 AVF is depressed, and in lead AVR, there is elevation of PR segment. So, this is very characteristic of acute pericarditis. You can find this kind of ECG also when there is a large pericardial effusion, one can find the electrical alternates, the alternate QRS complexes are small and large. So, this is very characteristic of pericardial effusion cva also can give rise to various uh, ecg changes when the heart is even normal and these are the very characteristics, especially the t deep t inversion uh, especially these are found in subarachnoid hemorrhage but can be found in cva any kind of hemorrhage or infarct along with qt intervals prolongation so normal variant is always to be remembered that uh, one can have q waves t wave inversion especially the females are having t inversion in lead uh, v1 to v3 which is uh, Common presentation of like persistent juvenile pattern. There are technical errors always to be looked into. Like uh, there are some artifacts because of electrical disturbances, misplacement of uh, electrodes, not properly placed. Then these can give rise to the various technical errors. So at the last, I also always say that uh, ECG is like the swimsuit, which at times can reveal lot of things but can conceal the most vital things. So if the patient's uh, ECG. Is uh, normal and the patient is having clinical presentation of severe angina, severe chest pain, then you cannot send the patient back to the home because these patients cannot go beyond the, your room. So, always look for the clinical, uh, clinically look at the patient. If the patient is having chest pain, wait for the serial ECGs, wait for the enzymes, then only you can send this patient. So, ECG, there are some limitations of ECG always, and you have to be aware, and your clinical, clinical acumen is more important than what you see in the ECG. So thank you so much. Thank you very much.